नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेरी रहती है सभी मेंबर्स की, सभी सब्सक्राइबर्स की। सर, आप ब्लू चिप स्टॉक्स कैसे चुनते हो? कैसे चुनते हो आप वो शेयर जो कि आज आप चुनते हो और कल ही भागने लगता है? सो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक्स, वो 5 सॉलिड ट्रिक्स, जिससे कि दोस्तों आपको पता चलेगा कि मुझे किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको ब्लू चिप स्टॉक में ही ट्रेडिंग करनी है और ब्लू चिप स्टॉक में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सो दोस्तों, ब्लू चिप स्टॉक है क्या, कैसे पता करें, पूरी एनालिसिस होगी, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। नंबर वन। नंबर टू, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ एक्शन। और अभी आप ज्वाइन भी कर सकते हैं मेंबरशिप, अगर आप वेल्थ फर्स्ट को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन हैं जिनको कि जिनके आप आंसर चाहते हैं, तो आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू विल गेट हेल लॉट ऑफ बेनिफिट्स, लेट मी टेल यू। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है उस कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स। अगर उस कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स जो आए हैं वो अच्छे नहीं है, तो दोस्तों उस कंपनी में आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स जो याद रखने वाली चीजें हैं वो ये हैं। नंबर वन, कि उस कंपनी के ईयर ऑन ईयर जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं बजाय कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंडिया में कुछ सीजन्स हैं, जैसे कि दीपावली का सीजन जो क्वार्टर थ्री में पड़ता है, तो दोस्तों जनरली क्या है कि क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स हमेशा बेटर होंगे क्वार्टर टू से। तो आपको क्वार्टर थ्री के इस साल के रिजल्ट और क्वार्टर थ्री के प्रीवियस ईयर के रिजल्ट आपको कंपेयर करने हैं। तो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रायोरिटी इज ईयर ऑन ईयर। नंबर टू, आपको किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए कि वो अच्छी है, खराब परफॉर्म कर रही है, अंडर परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, मिनिमम 2 क्वार्टर को चेक करना ही करना है। अगर उस कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, आप उससे एग्जिट कर जाइए, उस कंपनी को से निकल जाइए, क्योंकि वो कंपनी ब्लू चिप नहीं है। अगर वो 2 क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, आप बड़े बड़े दिग्गजों के एग्जाम्पल ले लीजिए, आप येस बैंक ले लीजिए, पिछले 2 क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया, भर भर के लॉस। अगर आप आइडिया को ले लीजिए, अगर आप टाटा मोटर्स को ले लीजिए, 2 क्वार्टर का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर उसका अच्छा नहीं है, टाइम टू एग्जिट। नंबर थ्री, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों प्राइस इज स्लेव ऑफ रिजल्ट्स, प्राइस इज फंक्शन ऑफ रिजल्ट्स, प्राइस इज फंक्शन ऑफ द नंबर्स विच कंपनी पुट्स। तो दोस्तों अगर कहीं रिजल्ट गड़बड़ है तो उसका प्राइस नहीं भागेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। आप पूछते हैं जनरली कि सर आप कौन से ऐप्स यूज करते हैं, कौन सी वेबसाइट वेबसाइट यूज करते हैं? भैया, मैं सबसे सबसे सॉलिड और सबसे यू नो ऑनर्ड NSE इंडिया को यूज करता हूँ, वही मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये NSE इंडिया की नई वेबसाइट है, कोई एड नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। आप जाइए NSE इंडिया में, अगर आप नई में जाते हैं तो नई में भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप NSE इंडिया लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पुरानी साइट पे ले जाएगा, पुरानी साइट बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। तो ये आप देखते होंगे दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म तो मैं आपको डेली दिखाता हूँ, तो इसमें ही सारा माला माल मसाला है। देखिए, अब मैं इसमें दिखाता हूँ ना आपको डिलीवरी वगैरह, लेकिन डिलीवरी वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेडर, अगर आप लॉन्ग रन ट्रेडर हैं तो आपको जाना है कंपनी इंफॉर्मेशन में। जैसे आप कंपनी इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो उसमें आपको यहाँ पे 2 लिंक मिलेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो फाइनेंशियल रिजल्ट को जरा एक बार चेक करते हैं भाई। ये है कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और आप देखिए इसके सितंबर 2019 और दिसंबर 2019 के रिजल्ट कंपेयर कर लीजिए, तो आप पाएंगे कि उसकी 90 लाख 76,000 वॉज द टोटल इनकम, 90,76,000 वॉज द टोटल इनकम इन सितंबर। दिसंबर में कितनी आई है, गिर गई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले कितना था, 12,25,000 रुपए, अब की बार कितना आया है, 11,75,000 रुपए। तो कम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया है। नेट प्रॉफिट कितना आया है, पिछली बार था 9,70,000 रुपए, अब कितना आया है, 9,58,000 रुपए। तो क्या हुआ है, हर फ्रंट पे रिजल्ट गिरा है। तो भैया क्या स्टॉक भागेगा, आप बताइए। अगर आपने ये सोच के रखा है कि मैंने 1550 पे लिया है, ये तो 1800 जाएगा, तो भाई वो आदमी आपको बेवकूफ बना रहा है।
जब तक इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे दोस्तों, उसी दिन आपको समझ जाना चाहिए मैंने शाउट आई शाउटेड आई यू नो आप लोग के ऊपर बोला था मैंने कि भाई 1550 पे आपको एग्जिट करना है, ये 1505 के नीचे जाएगा और अभी देखिए 1487 चल रहा है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई आई से क्वार्टर रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं भाई सेकेंड पैरामीटर की, जो है प्राइस टू अर्निंग एंड डिविडेंड यील्ड। अब भाई प्राइस टू अर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है? प्राइस टू अर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस दिखाता है आप प्राइस बेसिकली आपको खरीदना तो प्राइस पे ही है ना, और अर्निंग पे अर्निंग तो आपने चेक कर ली, तो उसकी प्राइस टू अर्निंग चेक करनी है। प्राइस टू अर्निंग चेक करने का तरीका क्या है? प्राइस टू अर्निंग आपको हमेशा उसके पीयर ग्रुप से चेक करनी है। आपको ये नहीं चेक करनी है कि भाई एशियन पेंट इतना महंगा क्यों है। अगर एशियन पेंट अगर महंगा है, उसकी पीई महंगी है, तो आप उसके पीयर्स की पीई भी तो देखो, उसके नेरोलैक से चेक करो, बर्जर से चेक करो, तो आपको पता चलेगा वो स्टॉक सस्ता है या महंगा। कभी भी महंगे में खरीदेंगे तो आपका प्राइस करेक्ट हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है। नंबर वन। नंबर टू, डिविडेंड यील्ड क्या है? डिविडेंड यील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है भाई डिविडेंड इन्वेस्टिंग का, उसका वीडियो नीचे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों किसी भी कंपनी की डिविडेंड यील्ड कम से कम 1% होनी चाहिए, अनलेस एंटिल उसका 15% CAGR है। मैंने दोस्तों वो नीचे वीडियो बनाया, उसको आप जाके देख लेना, पूरी अभी पूरी चीज नहीं बता सकता मैं फिलहाल। डिविडेंड यील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि डिविडेंड यील्ड ही वो फैक्टर है जो कि शेयर होल्डर के लिए कैश फ्लो लाता है। भाई अगर आपकी कंपनी अगर आपको डिविडेंड नहीं देती है और कहती है भाई मैं तो ग्रोथ दे रही हूं, कल को शेयर प्राइस करेक्ट कर गया, आपको तो ना डिविडेंड मिला और आपको कैश भी नहीं मिला, क्योंकि आप उस कंपनी से पैसा कब निकाल सकते हो? जब उस कंपनी के स्टॉक्स को सेल करोगे, और सेल कब करोगे? जब उसके आप शेयर होल्डर रहोगे नहीं। तो जब आप उसके शेयर होल्डर नहीं रहोगे तो उस कंपनी से पैसा लेने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि भाई कंपनी में भी रहो और उससे पैसे भी मिले, तो वो तभी हो सकता है जब उसकी डिविडेंड यील्ड कम से कम 1% तो हो ही। डिविडेंड यील्ड को भी आप एनएससी इंडिया में चेक कर सकते हो। अदरवाइज बेस्ट तरीका क्या है भाई, एक फ्री ऐप है मनी कंट्रोल, उसमें तो बिल्कुल जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी रहती है। प्राइस टू अर्निंग देखिए 24.63 है, ये है TCS, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस दिस इज TCS, ये TCS लिखा हुआ है। तो इसकी प्राइस टू अर्निंग है 24.63, अगर आप उसके पीयर से कंपेयर करेंगे तो है 23.57, जो कि है 24, तो ये भी 24 है, तो कोई खास महंगा नहीं है, इंडस्ट्री का लीडर है भाई। तो प्राइस तो महंगा हो गई, आपको अगर ब्लू चिप में इन्वेस्ट करना है तो फिर और उसको इसमें ट्रेड करना है थोड़ा, तो आपको प्राइस देखना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि ये 50 है और ये 24, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड यील्ड देखिए दोस्तों 1% से भी ऊपर है, 1.39%, इसको कहते हैं दोस्तों अच्छी डिविडेंड यील्ड। आप कंपनी के शेयर होल्डर भी बनोगे, आपका प्राइस भी ग्रो होगा, प्लस आपका डिविडेंड भी आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। अब इतना समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा हार्प करता हूं जब मैं किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करता हूं, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? सबसे पहली बात तो आप जाएंगे स्ट्रेट अवे एनएससी की वेबसाइट में, जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया, आपको जाना है कंपनी इंफॉर्मेशन में। जैसे ही आप कंपनी इंफॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा, तो आपको क्लिक करना है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो भैया इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, पब्लिक की होल्डिंग कितनी है, एम्प्लॉयज़ की कितनी है, एंड सो ऑन। आपको ये इंश्योर करना है कि प्रमोटर होल्डिंग कम से कम 50% हो, अगर नहीं है तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, लेकिन प्रेफरेबली 50% तो होनी चाहिए। अब आप TCS जैसी कंपनी की देखिए दोस्तों 72% की होल्डिंग है। प्रमोटर होल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है भाई? प्रमोटर होल्डिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, जब प्रमोटर के पास शेयर ज़्यादा होंगे तो वो मेहनत करेगा ना। अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर ज़्यादा हैं तो आप चाहेंगे ये कंपनी अच्छा करे, तो प्रमोटर के पास ज़्यादा स्टॉक होगा तो प्रमोटर चाहेगा कि ये कंपनी अच्छा करे ताकि मैं भी बड़ा आदमी बनूं, शेयर प्राइस बढ़ेगा। अभी देखिए दमानी जी भैया इंडिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बन गए, ऐसे थोड़ा बन गए क्योंकि उनके पास इतने सारे स्टॉक्स थे। तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, एंड प्रेफरेबली 50% होनी चाहिए, अगर कम भी है तो भी चलेगा, लेकिन उसके कई सारे पैरामीटर हैं।
अब जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं होनी चाहिए। प्लेज का मतलब क्या है भाई? कुछ लोग कहते हैं प्रमोटर होल्डिंग प्लेज एक्सेप्टेबल है 1 और 2%। मेरा कहने का मतलब है प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज ही नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए मैक्सिमम 5%। 5% से ज्यादा अगर प्रमोटर होल्डिंग है तो उस कंपनी से आप तुरंत निकल जाइए, उस कंपनी में रहना नहीं है। तो आपको जाना कैसे है स्टेट ये पता करने के लिए, प्लेज प्रमोटर होल्डिंग के लिए, इसमें ही ऊपर आप देखेंगे ये लिखा है मार्केट ट्रैकर, और यहाँ पर भी वैसे लिखा रहता है, आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे आपको लेके वहीं जाएगा। तो मार्केट ट्रैकर पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये एक व्यू खुल जाएगा, इसमें होम है, फाइनेंशियल रिजल्ट है, सब कुछ अच्छे से आप कंपेयर कर सकते हो, ट्रेडिंग हिस्ट्री, बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप क्लिक करोगे तो ये इस तरह का आपका फॉइल खुल जाएगा। इसमें आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 14, 15 तक हैं, तो आपको जाना है 13 नंबर पर। 13 नंबर पे क्या दिया हुआ है देखिए, 9, 10, 11, 12, 13। 13 में दिया है नंबर ऑफ शेयर्स प्लेज एंड अदरवाइज एनकम्बर्ड, तो मतलब कितने शेयर प्लेज हैं। तो दोस्तों मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ TCS के बारे में। अब TCS के भी शेयर प्लेज हैं, देखिए दोस्तों इस कॉर्नर पे देखिए, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर्स हेल्ड, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3%, टू ऑलमोस्ट 2.93%। तो 2.93% शेयर्स प्लेज हैं TCS के, लेकिन दैट्स ओके टिल द टाइम इट इज 5%, आई एम एक्सेप्टेबल। इसके पहले के पैरामीटर तो मीट कर ही रहा है कम से कम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि 5% से ऊपर है तो क्या दिक्कत आएगी। अगर 5% से ऊपर है तो दोस्तों 5% से ऊपर के स्टॉक उसने प्लेज करे हैं, मतलब किसी बैंक में गिरवी रखे हैं, वहां से पैसा उठाया है, जिस दिन चाहे बैंक उसके शेयर को मार्केट में सेल कर सकता है ताकि अपने पैसे को निकाले। और सेल कब करेगा? जब ये पैसे का पेमेंट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे, और इंटरेस्ट अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो ये सारे के सारे शेयर मार्केट में सेल किए जाएंगे। डिमांड बढ़े, डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी, स्टॉक हो जाएगा धड़ जैसा कि जी बिजनेस नहीं, जी बिजनेस रॉन्ग नेम, जैसे कि जी एंटरटेनमेंट्स के साथ में हुआ, जैसा जी मीडिया के साथ में हुआ, SL ग्रुप के सारे स्टॉक्स के साथ ऐसा ही हुआ है। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको चेक करना है कि जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड भाई जील के कितने प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है, जी मीडिया की कितनी प्लेज है। इसी प्रकार से आपको कुछ जो गिरे पड़े टूटे हुए स्टॉक हैं उनका जरा पता करना है कितनी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है। चौथा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा हार्प करता हूँ, डेट कम होना चाहिए। डेट फ्री कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, वही कंपनी ब्लू चिप है। उसके कारण क्या है भाई? जिस कंपनी के पास डेट है, बहुत बड़ा कर्जा है, वो कंपनी एक्सपैंड ही नहीं कर सकती। क्यों एक्सपैंड क्यों नहीं कर सकती भाई? जो वो कमाएगी उसके आधे से ज़्यादा तो पैसा निकल जाएगा उस कंपनी के इंटरेस्ट को पे करने में, तो प्रॉफिट्स विल बी ईटन अप, प्रॉफिट्स विल गो इन इंटरेस्ट ओनली, कहाँ से एक्सपैंड करेगी। नंबर टू, अगर भाई एक्सपैंड नहीं करेगी, प्रॉफिट यहीं चला जाएगा, और बाय चांस कोई झटका आया, कोई स्लोडाउन आया, तो उस कंपनी में डिफॉल्ट सबसे पहले होगा। इसलिए जिस कंपनी पे भी डेट है उस कंपनी से तो दूर से नमस्कार, जय श्री राम। अब आप कैसे पता करेंगे भाई उस कंपनी में डेट है भाई? उसका सिंपल तरीका क्या है, उस कंपनी के आप एनुअल जो रिजल्ट होती है, एनुअल फाइनेंशियल फाइनेंशियल शीट होती है, उसको आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल तरीका क्या है, अब मैंने आपको बताया कि आप ये मनी कंट्रोल का ऐप उसको खोलेंगे तो उसमें आप जाएंगे फाइनेंशियल्स में, उसमें आप सर्च करेंगे कंपनी का नाम, कंपनी का आ जाएगी ठग से। तो आप जैसे ही उसमें सर्च करेंगे, ये देखिए TCS का मैंने डेटा खोल के रखा हुआ है, दिस इज TCS, और फाइनेंशियल्स में मैंने क्लिक किया तो फाइनेंशियल में क्या आ जाएगा ये देखिए, टोटल शेयर कैपिटल, नेटवर्थ एंड टोटल डेट। अब आप देखिए 33 करोड़ का डेट है, 33 करोड़ इज जस्ट, और देखिए मार्च 18 में 220 था, मार्च 19 में 33 बचा, मतलब जितना थोड़ा मोड़ा था उसको भी कम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें या तो डेट हो ही नहीं, और जो डेट हो वो भी हर सालों साल कम होता चला रहा है, तो इसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी कहेंगे, इसे कहेंगे ब्लू चिप कंपनी। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर भर भर के डेट है, वो कौन सी है भाई? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब आप देखिए इनके टोटल डेट 96,835 करोड़ वॉज इन 2018, और मार्च 2019 में देखिए भैया 1,57,000, मतलब आप समझ सकते हैं 50% से ज्यादा का डेट बढ़ा है। ये डेट के कारण ही ये स्टॉक अभी तक यहाँ पड़ा हुआ है, अदरवाइज ये 1,800 रुपये का होता, और अगर डेट लेवल ना होता तो इनके प्रॉफिट के मार्जिन्स बढ़ते। जो इनका ये Q3 में रिजल्ट्स आपने देखे हैं, मैंने आपको बताया कि थोड़े से डाउन हुए हैं, वो डाउन भी नहीं होते और ये स्टॉक 1,800 पहुँचता, लेकिन ये है वो कारण जिसके कारण ये स्टॉक नहीं भाग रहा है।
तो ये हो गए भाई 4 पॉइंट्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पॉइंट नंबर 5। दोस्तों अगर टेक्निकल्स की आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है। आप टेक्निकल्स के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट मस्ट वॉच वीडियोस नीचे पड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, जस्ट गो एंड हैव अ लुक, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। जब भी स्टॉक को बाय करें तो अच्छे ट्रेंड के स्टॉक को बाय करें। अब ट्रेंड को कैसे पता करते हैं वो भी बताऊंगा। फिलहाल बेसिक्स ऑफ टेक्निकल्स आपको मालूम होने चाहिए भाई। मूविंग एवरेज क्या होता है, व्हाट इज मूविंग एवरेज, व्हाट इज MACD, ये भाई पिवट पॉइंट क्या होते हैं, ये हमें स्टॉक को क्या ओवर वैल्यू तो नहीं है, क्या ये सही टाइमिंग है स्टॉक को खरीदने का, चार्ट पे कैसा दिख रहा है, ये सारी की सारी चीजें नीचे के वीडियो में बताई गई हैं, उनको जाकर के आप देख सकते हैं। वीकेंड का टाइम है, बढ़िया से वीकेंड को यूटिलाइज करिए। अब देखिए TCS दिखाता हूं मैं आपको, आपको पता कैसे करना है स्टॉक का ट्रेंड अप है भाई। इसको जो कैंडल है इसका, यहाँ पे आप वीक लगा लीजिए। वीक मतलब होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में जब आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा ये स्टॉक कभी भी, ये जो पर्पल लाइन है ये आपको दिखा रही है 20 मूविंग एवरेज, ये रेड लाइन दिखा रही है आपको 50 मूविंग एवरेज, और ग्रीन दिखा रही है 100 मूविंग एवरेज। तो दोस्तों ये स्टॉक कभी भी अपने 50 मूविंग एवरेज से नीचे 100 पे तो जाता ही नहीं है। तो दोस्तों ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, दिस इज अ गुड स्टॉक। अब मैं आपको दिखाता हूं एक अच्छे शानदार शेयर जिसका नाम है येस बैंक। अब देखिए ये अपने आपने 1 वीक लगाया और आप देखिए 19 से अभी 20 आ गया है, एक साल में वो अपने 20 डे के मूविंग एवरेज को टच ही नहीं कर पा रहा है 1 वीक के चार्ट पे। तो मतलब इसको कहते हैं भयंकर डाउन ट्रेंड। अगर आप इसको यहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, सोच रहे हो कि ऊपर जाएगा, तो भाई अभी ये ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भयंकर डाउन ट्रेंड में, और जो भयंकर डाउन ट्रेंड में उसमें कभी घुसना नहीं है। नेक्स्ट इज कोल इंडिया। अब भाई कोल इंडिया ट्रेडिंग के लिए बढ़िया है, भयंकर तरह से ट्रेडिंग करो। ये देखिए ट्रेंड लाइन है, जैसे यहाँ आएगा फिर से स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन पॉइंट क्या है, अगर आप इसमें सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्टमेंट कर लूं, आप देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, 100 डे मूविंग 100 मूविंग एवरेज के नीचे। तो दोस्तों मेरा मानना यह है जो कम से कम 100 मूविंग एवरेज के ऊपर हो ऑन वीकली चार्ट्स, उसमें ही आपको इन्वेस्ट करना है, वही अच्छा शेयर है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई आज ये शेयर थोड़ा करेक्ट हो गया तो ये अगर 2-3 दिन करेक्ट हो गया तो दोस्तों ये शेयर खराब है, ऐसा नहीं है। शेयर वीकली चार्ट पे कम से कम 100 MA के ऊपर होना चाहिए, और 100 MA के ऊपर है तो उस स्टॉक को आप कहोगे ब्लू चिप स्टॉक, अगर उसने पहले की 4 क्राइटेरिया को मीट किया हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैं कैसे स्टॉक 6 स्टॉक्स वो ब्लू चिप स्टॉक्स को चुनता हूँ, और कौन से स्टॉक्स को ब्लू चिप कहा जाता है। और दोस्तों आपको अगर ज़ेरोधा के फीचर्स नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कैसे ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर क्या होते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, दोस्तों तो इसका बहुत अच्छा मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। प्लस अगर आपको फ्रेश अकाउंट खोलना है, SBI का IPO भी आ गया है, कई सारे डीमैट अकाउंट हो सकते हैं आपको खोलने हो, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं और आप खोल सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज स्मैश द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गेटिंग द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।